माई चैनल वंस अगेन एंड आज का जो ब्लॉग है इट्स वेरी स्पेशल फॉर रॉयल एनफील्ड ऑनर्स. रीजन बींग आई गेस सबको अपने रॉयल एनफील्ड की वाइब्रेशन से जो हैंडल में वाइब्रेशन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं. सो आई हैव डन समथिंग विद माई रॉयल एनफील्ड सो दैट जो उसकी वाइब्रेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके. सो मुझे जो उसमें रिलैक्सेशन मिला है वाइब्रेशन में आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल कि अगर आप लोगों को भी वो प्रोडक्ट ठीक लगता है तो आप भी अपनी बाइक्स में इंस्टॉल उसे कर सकते हैं. बहुत महंगा नहीं है, 200 रुपये की चीज़ है, लेकिन वो आपको वाइब्रेशन में कुछ अच्छा रिलैक्सेशन दे सकती है ऐसा मुझे लगा. मैंने अपनी बाइक में उसे इंस्टॉल करने के बाद मैंने 50% जो डिफरेंस है वो महसूस किया है. बट दैट इज़ इन दैट केस ओनली कि अगर आपने उसको सही से इंस्टॉल किया है तो लेट मी शो यू गाइस आपको क्या करना है वाइब्रेशन रिडक्शन के लिए. जैसे बोलो सो गाइस दिस इज़ माय वाइब्रेशन रिडक्शन रॉड. एज यू कैन सी इसको मैंने अपने जो जहाँ से हैंडल मेरा बेंड होता है मैंने दोनों एजेस पे इसको कनेक्ट किया हुआ है और बोल्ट से मैंने इसे टाइट किया हुआ है. आप अगर इसे देखेंगे तो इसमें क्या है कि ये आपको एक ये जो पीस है ये आपको मार्केट में मिलेगा राइट. ये आपके जो एंगल्स हैं ये क्या है, ये डिटैचेबल है, ये आपके क्लिप की तरह होते हैं, उसमें एक में एक फंसता है और ये यहाँ पे आपका जो रॉड है वो टाइट हो जाता है. आपने इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो रॉड है एक तो ये डिस्टेंस जितना इसका कम रहेगा ये उतना स्ट्रांग रहेगा, ठीक है. आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. प्लस ये बोल्ट्स आपके पूरे टाइट होने चाहिए, ये एक्सटेंड भी हो सकते हैं इनकेस आपका बड़े वाला हैंडल है तो उसमें भी ये यूज़ हो जाएगा. बट मेक श्योर कि आप इसको जितना ये डिस्टेंस कम रहेगा उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है. और ये एलन की बोल्ट इसमें लगे हुए हैं, ये रॉड यहाँ से एलन की से खुल जाता है, यहाँ से भी एलन की से खोलोगे ये भी निकल जाएगा, ये रॉड बिल्कुल निकल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है. आपने क्या करना है पहले ये पूरे साइज इसका लेना है, ठीक है. इस रॉड को आपने अच्छे से टाइट कर लेना है. मेक श्योर कि इसका जो भी बोल्ट है वो अच्छे से टाइटेंड हो सो दैट यू विल नॉट फील एनी वाइब्रेशन इन दिस पर्टिकुलर रॉड. अगर आप देखेंगे ना तो इसको मैंने एज टू एज बिल्कुल जहाँ से बेंड होता है वहाँ से इसको कनेक्ट किया हुआ है अपनी बाइक, ठीक है. इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है. मैंने जो वाइब्रेशन में जो रिडक्शन महसूस की है इट्स ऑलमोस्ट 50% और काफ़ी स्मूथ मुझे इस बार हैंडल अपना लगा है, ठीक है. सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग भी इसको यूज़ करें और आप लोग भी इसको इंस्टॉल करें अपनी बाइक पे. सिर्फ 200 रुपये की चीज़ है, 200 रुपये की चीज़ में अगर हैंडल में आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है तो उससे अच्छा क्या होगा. सो मच रिकमेंडेड फॉर एवरी पर्सन एवरी राइडर जो अपनी बाइक में वाइब्रेशन को लेके परेशान है. प्लीज़ मेक अ नोट कि ये वाइब्रेशन रिडक्शन रॉड आपको कुछ जरूर रिलैक्सेशन दे सकती है वाइब्रेशन में. सो गाइस दिस इज माय ब्लॉग फॉर वाइब्रेशन रिडक्शन. होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.